हम आए हैं एम्पोरियम मॉल में और ये है इसका घर का व्यू और यहाँ भी गए हैं पार्किंग वाली जगह। बाइक खड़ा रहे हैं पार्किंग में और अभी हम अंदर जाएंगे पार्किंग में। शाबिया जी बाइक खड़ा के आ रहे हैं और हम लोग इधर ठहरे हुए हैं। तो अभी पार्किंग वाली जगह पे शाबिया आते हैं और तो हम चलते हैं एम्पोरियम मॉल के अंदर और आप सबको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल के अंदर और आप रीबा और शाह भाई हमारे आगे चल रहे हैं और वहाँ से आगे से जाके होगी हमारी एंट्री। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आ चुके हैं एम्पोरियम मॉल में और यह है इसकी इंट्रेस्ट सामने से और सब मेरे आगे चल रहे हैं। मम्मा भी हमारे आगे चल रही हैं। ये देखें अब हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल के अंदर और यहाँ से है मेन इंट्रेस्ट। तो पहले अपना चेकअप तो मतलब कि चेकिंग करवाते हैं और फिर जाएंगे हम अंदर। और ये देखें यहाँ से अब हमारी इंट्रेस्ट होगी है और सामने देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये माहौल। इतनी सारी लाइटिंग्स है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके नीचे से गुजर के तो हमें और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। आज यहाँ हम चलते हैं इसके आगे से और पहले मिनी शो में तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमें क्या लेना है। अब ये देख रहे हैं ये एयरपोर्ट्स और देखते हैं कौन से पसंद आते हैं। नहीं आए पसंद चले आगे चलते हैं। और इस तरफ बैग्स वगैरह हैं और ये हूँ मैं। और ये देखे यहाँ प्यारी 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 चीज़ें हैं और ये है जिम वाली मैट वगैरह देख रही हैं। और ये देखें ये रही प्यारी सी चप्पल और शाबिया भी यहीं हैं और आप एरिया भी यहीं हैं। नहीं आया तो अब हम जा रहे हैं कहीं और तो कुछ देखते हैं। अब उस तरफ से हम जा रहे हैं दोबारा से इन प्यारी प्यारी लाइट्स के नीचे से जा रहे हैं हम लोग। और हमने ग्राउंड फ्लोर जो है घूम लिया। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर एक्सीलेटर से क्योंकि लिफ्ट पर मुझे डर लगता है। और रात देखे कितना रश है क्योंकि ये ईद के कुछ दिन बाद है ना तो लोग ईद के बाद भी आते रहते हैं। हम पहुँचने वाले हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये देखें हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो अभी एक्सीलेटर से उतरते हैं और आपको एम्पोरियम मॉल का फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ये है कैंडीज की शॉप जी और कॉर्न शॉप और साथ ही ये है ज़ीरो मतलब कि वो जो है ना जिसमें मसाज वगैरह करते नहीं वो वाली चेयर मसाजिंग चेयर्स। और ये सामने जो है क्लॉथ वगैरह हैं आउटफिटर्स के। आ रहे हैं आगे की तरफ और इस तरफ भी बहुत सारी शॉप्स हैं मतलब के झूले वगैरह। और नीचे वाला देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा है और सामने वाला व्यू देखिए वो कितना प्यारा लग रहा है। अब चलते हैं आगे। और इधर सामने है स्टेशनरी लाइब्रेरी यानी कि books.com शॉप ऑनलाइन ये भी है। और यहाँ पर है जेंट्स वाले और सब भी इधर पिक्चर ले रहे हैं। और ये भी है शॉप क्लॉथ्स की और सामने वही लाइटिंग दिया जो कि नीचे से बहुत प्यार लग रही थी और यहाँ से बिल्कुल हमारे सामने लग रही है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और ये आगे है ज्वेलरी वाली शॉप। चूड़ियाँ और कपड़े वगैरह हैं। ऑफ लगा हुआ है 25% ऑफ है और मम्मा देख रही हैं सूट। और सामने का व्यू है ये मेहंदियाँ भी लगा रहे हैं। और यहाँ देखे क्या कहते हैं इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर। और ये देखें आप भी वगैरह जो मेहंदी लगा रही हैं और इधर भी लग रही है मेहंदी। यहाँ बहुत रश है मिल रही है मेहंदियाँ और यहाँ लग रही हैं मेहंदियाँ। तो ये देखें ये शॉप बिल्कुल सामने यहाँ से मिलती है और यहाँ से लगाई जाती है। उन्होंने मेहंदी लेनी है नहीं और पूछ रहे हैं कि इनकी क्या प्राइस है। और यहाँ कोई है नहीं वो भाई ठहरे हैं सामने मैं उनसे पूछ के आती हूँ। अच्छा एक यहाँ हमने देखा एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखें ये टोकरी नुमा बनी हुई है ऊपर लगता है कि आसमान है लेकिन है नहीं आसमान। ऐसे लगता है बस के आसमान है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये सारे आउटलेट लगे हुए थे गर्ल्स के लिए। हाँ मैंने कहा आ जाओ देख लो। अच्छा ये डिज़ाइन भी इस पर बेहतरीन थे और कपड़ा भी इनका अच्छा है। इस पर ऑफ तो नहीं था लेकिन कपड़ा इनका अच्छा है और डिज़ाइनिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ रखे हुए मुझे मिले एक प्यारे से खूबसूरत शूज जो ये वाले मुझे बहुत ही पसंद आए। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी वैसे सबकी क्वालिटी अच्छी थी लेकिन ये स्पेशल मुझे पसंद आए। ये देखें लेकिन पाँव इतने बड़े बड़े थे कि ना मेरे पाँव के नाप ही नहीं थे। और मैं यहाँ खड़ी होकर बना रही हूँ जनाब अपनी वीडियो
और ये देखिए मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये मुझे आईना सा नज़र आया, मैंने कहा चले ये बना के देखते हैं। और अब हमने फर्स्ट फ्लोर भी घूम लिया है, हम फिर से जा रहे हैं अब सेकंड फ्लोर पर। फिर से तो नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, तो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको सेकंड फ्लोर भी घुमाते हैं एम्पोरियम मॉल का। थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ जो है ना फूड कोर्ट भी है और थोड़ी और शॉप भी है और नीचे का व्यू देखें कुछ ज़्यादा है। अभी भी चले मैं भी बैठ जाती हूँ और देखते हैं कि इस बार हमने क्या खाना है। सामने का व्यू बहुत ही प्यारा है, यहाँ से हमारे ऊपर ऐसे लग रहा है कि क्लाउड्स है, लेकिन ये जो है ना लाइट्स वाले ग्लोब है, ये देखिए ऐसे लग रहे क्लाउड्स हैं हमारे ऊपर। और हम पी रहे कोक, शाबी की स्ट्रिंग है और हमारी जो है कोक है, तो देखते हैं कौन क्या पीता, अभी डिसाइड नहीं हुआ। एक स्ट्रिंग शाबी लाए हैं और एक कोक लाए हैं। हमने कोक वगैरह भी पी ली और थोड़ा सा घूम भी लिया। अब हम जा रहे हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि हमने लिफ्ट पर जाना था लेकिन अचानक से ही भीड़ में लिफ्ट चली गई शाबिया और आप करीब अभी इसमें ही चले गए और अब हमें एक्सीलेटर जाना पड़ा क्योंकि वहाँ लिफ्ट में ज़्यादा रश था तो हम अंदर जा ही नहीं पाए, वो दोनों चले गए और अभी यहाँ से जाना पड़ रहा है। और पहले हम शाबी और आप करीब अगर ढूंढते और फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल से बाहर, तो फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद है। और बाहर जो है बहुत तेज़ हवा है, मॉल में तो नहीं थी लेकिन बाहर बहुत तेज़ है। चलें फिर इसी एम्पोरियम मॉल के साथ हम अपनी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे हम न्यू व्लॉग के साथ और अभी ईद व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।